हेलो गाइस, वेलकम माई चैनल। आज का रिव्यू है एम कैफीन इक्रो कॉपी पेस्ट वॉश का है। और आप लोग को हम एम कैफीन का प्रोडक्ट आज से बॉडी वादा बॉडी स्क्रब बॉडी पॉलिशिंग ऑयल पेस्ट स्क्रब का आप लोग को हम रिव्यू बताया था। तो आज का है पेस्ट वॉश है एम कैफीन का। देखिए इसका पैकिंग और इसका कवर ये है, देखिए। तो आगे आप लोग को इसका प्राइस बता देते हैं और इसका टेक्सचर भी आप लोग को हम दिखा देते हैं। एम कैफीन इक्रो कॉपी फेस वॉश एंड कॉपी विथ एन वाइटनिंग वाटर लिली, नॉर्मल टू ऑयली स्किन दोनों यूज कर सकते हैं। इसका क्वांटिटी है 100 ml का है। इंडियन फर्स्ट कैफीनेस पर्सनल केयर ब्रांड का है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसका आगे प्राइस बता दें, इसका प्राइस है 349, सेल्फ लाइफ है 2 ईयर का है, क्वांटिटी 100 ml का है। और ये ला आप ऑनलाइन में परचेस करेगा, जैसे ना जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट या नायका में कभी कभी ओपन में होता है, उस समय आप लोग परचेस करके ट्राई कर सकते हैं। तो आप लोग परचेस करेगा, सिस्टम लिंक डाला हुआ है, आप लोग उधर से चेकअप कर सकते हैं। और इसका एक इंग्रीडियंट है वाइट वाटर लिली का है। और इसका बाद ये फेस वॉश एसलेस फ्री है, डर्मेटोलॉजिकल टेस्टलेस है, उसको मेन और वुमेन दोनों यूज़ कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि उसको अभी वुमेन सिर्फ यूज़ करना, ऐसे बाद में मेन भी यूज़ कर सकते हैं। और ये इंग्रीडियंट दिया हुआ है यहाँ पे, सब यहाँ पे इंग्रीडियंट पूरा लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। जैसे आप ये वाला कवर कहीं चूज जाने से भी आप यहाँ पे देख कर आप यूज कर सकते हैं। तो इसका टेक्सचर आप लोग को हम दिखा देते हैं। इसका टेक्सचर ऐसे है कि आपको ऐसे बबल ज़्यादा ऐसे नहीं, कोई कोई होता है ना आप लोग फेस वॉश बबल ऐसे ज़्यादा निकालने लोग को पसंद करता है, ज़्यादा बबल नहीं निकालने से पसंद नहीं करता है, पर ये वाला फेस वॉश आपको इतना बबल ऐसे नहीं निकलता है। और इसका खुशबू कॉफी का खुशबू आता है, और आप लोग पता है एम कैफीन का प्रोडक्ट आप लोग को कॉफी से बनाया वाला प्रोडक्ट है। तो ये वाला इसका केप भी आपको आसानी से लीक नहीं होगा, देखिए एक बहुत तान है, उसको आपको आसानी से आप लीक नहीं होगा। ये थोड़ा पोस्ट देकर आप खोलना पड़ता है, देखिए ये थोड़ा हम यूज़ करके थोड़ा थोड़ा सुरुख बचा हुआ है यहाँ पे। तो आप लोग को हम टेक्सचर दिखाते हैं, देखिए इसका टेक्सचर क्रीमी टाइप का है। तो कोई कोई पेसस होता है आपको थोड़ा ऐसे ये पानी भी जाने का, तो आपको बाबल बहुत निकल, ये ला इतना आपको बाबल नहीं निकलते हैं। इसको लगाने के बाद आपका स्किन जो थोड़ा सॉफ्टनेस फील होता है, कोई कोई होता है पेसस होने आप लगाने के बाद धोने के बाद आप थोड़ा ड्राइनेस फील होता है, जब तक मॉइस्चराइजर नहीं लगेगा तो थोड़ा ड्राइनेस फील होता है, पर ये ला ऐसे नहीं होता है। आप इसको लगाने के बाद आपको ड्राई फील पेस दुलाने के बाद। तो आप लोग भी ट्राई करेगा सोचने से आप लोग परचेस कर सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। तो आप लोग मेरा वीडियो से हेल्पफुल मिलता है तो प्लीज़ मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलना। जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेगा।